महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी 28 स्थानों पर तैनात एंटी रोमियो उप निरीक्षकों, पुलिस कर्मियों और महिला आरक्षियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया। इस दौरान बैठक में एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने सभी एंटी रोमियो प्रभारी और पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए कि वे जनपद में जितने भी पुलिस कर्मी एंटी रोमियो अभियान के अंतर्गत लगे हुए हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि सभी थानों पर पिंक लेटर बॉक्स अनिवार्य रूप से लगवाएं और बॉक्स को रोजाना खोलकर चेक करें। अगर किसी व्यक्ति या महिलाओं के द्वारा किसी शोहदे की शिकायत की गई है तो जाँच कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही एसपी क्राइम ने स्टॉगिंग के बारे में बताया कि स्टॉगिंग यानी किसी महिला का पीछा करना, उसको मानसिक तौर पर परेशान करना, महिलाओं पर कमेंट करना, ये सब खतरनाक अपराध होता है। पीछा करने वाले शोहदों पर विशेष ध्यान दें और इन पर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और कोचिंग सेंटर आदि जगहों पर विशेष ध्यान दें। हॉटस्पॉट पर छेड़खानी, छिनौती आदि की घटनाओं पर रोकने के लिए पेट्रोलिंग करते रहें। जो भी महाविद्यालय है वहां पर जाकर टीचर से मिलें, छात्राओं को जागरूक करें। जहां पर लोग शराब पीते हैं उस रास्ते से महिलाएं जाना पसंद नहीं करती हैं, इस पर भी ध्यान दें ताकि महिलाओं के साथ किसी तरह की कोई अभद्रता ना कर सके। एसपी क्राइम ने यह भी कहा कि अगर आपसी सहमति से दो लोग पार्क आदि स्थानों पर बैठे हैं तो उनको बेवजह परेशान ना करें। पार्कों आदि स्थानों पर विशेष ध्यान दें कि कोई शोहदे तो नहीं है, वो किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी पुलिसकर्मी हो को एंटी रोमियो अभियान में लगाया गया है सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ क्षेत्रों में रहेंगे, किसी को भी अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे। एंटी रोमियो अभियान का उद्देश्य किसी को भी सार्वजनिक अपमानित करना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, तीसरा काम आपको बताया जनरल पेट्रोलिंग, जनरल दोस्त ये नहीं कि हमारी ड्यूटी तो एंटी रोमियो है, आप भाई वाले भाग हम क्या कहते हैं, किसी रोड किसी ऑल ओवर रोड किसी भी प्रकार की अराजकता हो रही है हमारा ही काम। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें ऐड कर देते हैं कि हम कोई पुण्य का काम, कोई पुनीत काम, किसी की हेल्प, किसी दीन दुखी बिछड़े पीड़ित निर्बल असहाय अपंग वृद्ध उसकी मदद हम लोग जरूर करें। जब सड़क पे खड़े हैं इसी काम के लिए खड़े हैं तो 8 घंटे ड्यूटी है, पर सुनना ड्यूटी पर हम व्हाट्सएप में देख के फालतू का मैसेज इधर से उधर क्यों फॉरवर्ड करें, उससे वो कौन सा पैसा मिलेगा। वी विल डू सम गुड वर्क, इससे उसके अंदर से उसके मन से भी कोई दुआ निकलेगी, कोई स्नेह के शब्द आपके लिए निकलेंगे जो कि आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी ऊर्जा के लिए काम है। ये जरूर सेशन को इंटरेक्टिव रखिए, आप लोग अपना कोई सुझाव दीजिए जिसको कि अमल में लाया जा सके। बेटे इतना ये भी बता दीजिएगा एंटी रोमियो टीम को कोई चेक नहीं कर रहा है हमारे बच्चों, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है हमारे पास, ये चार्ट बनाइए ना, ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग का। अरे हम सब दरवाजा लटका है घूमते हैं, हम चेक के लिए ऊपर से कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप जनपदों में इतने हैंडशेक हैं, बाद में इलेक्शन मीटिंग के बाद उपलब्ध होंगे तो कुछ थानों को और बांट दिए जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। बताइए सुझाव शुरू करो, आप बताएं इंस्पेक्टर साहब पहले दिन आपका क्या सुझाव है इस बारे में कि और होना चाहेंगे या आपने आप पहले दिन जो है करते रहिए, जो भी नेक काम मिले उसको करना चाहिए, बच्चों के पर, बुजुर्गों के पर, भोले भक्तों के पर, और पीछा करना का जो वो है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मंदिर जाते समय या रेलवे स्टेशन जाते समय जो पीछा करें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ कॉन्स्टेबल इंस्पेक्टर चेंज होते रहते हैं इसलिए उनको सारी बातों की जानकारी ठीक से नहीं हो पाती। आप भी को कोई बता लिया गया ना तीन दिन करोगे एंटी रोमियो होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ड्यूटी तो करनी है कोई। ये आपसे तो कह रहे हैं फिर आप कहोगे मुझे चौबीसा बना मुझे ग्राम का बात नहीं लिया जाता है, देखो नहीं हो डोंट रिपीट की आपने बहुत अच्छा बोला है वो नहीं सर। कर्मचारी किल्लत पड़ती है महिला कॉन्स्टेबल की विशेष
पेट्रोलिंग के लिए सब फ्यूल की व्यवस्था का। 1 मार्च से सभी विद्यालय गोरखपुर जनपद में खुल रहे हैं और इसके अतिरिक्त अब कोचिंग सेंटर में भी फिजिकल रूप से लगातार पढ़ाई होने लगी है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए, इसी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गोरखपुर के सभी एंटी रोमियो टीम में नियुक्त कर्मियों को बुला के उनकी ड्यूटी के प्रति उनको जागरूक किया गया। उनका रूट चार्ट प्लान किया गया कि सभी विद्यालयों के खुलने और बंद होने के टाइम उनके आसपास जाकर और मंदिरों के जो पीक आवर्स होते हैं, बाजार के जो पीक आवर्स होते हैं, वहाँ पर प्रभावी गश्त व्यवस्था करें ताकि कोई सौदा हमारी बहू बेटियों महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी या किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती ना हो सके, कोई लूटपाट की घटना ना हो। तो अपराध नियंत्रण एवं महिलाओं की गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सभी हर संभव उपायों के बारे में उनके सुरक्षित रूप से आवागमन के लिए जो है इनके लिए विस्तृत निर्देश दिए गए।